और सीएम साय आज लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आज जन दर्शन कार्यक्रम होगा, सीएम हाउस में जन दर्शन लगाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। हर गुरुवार को जनता से रूबरू होते हैं सीएम, जन दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं सीएम विष्णुदेव साय, और आज भी जन दर्शन लगाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आज सीएम हाउस में इसका आयोजन किया जाएगा, आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे सीएम, और हर गुरुवार को साप्ताहिक तौर पर इसका आयोजन किया जाता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे राजेश निषाद, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज जन दर्शन कार्यक्रम रखा गया है और आज की क्या तस्वीरें खास देखने मिल सकती हैं, अभी क्या तैयारियां हैं सीएम हाउस में, दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और बड़ी तादाद पे, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, बिलासपुर हो या दुर्ग, हर संभाग के, प्रदेश के अलग अलग कोने से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ये कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कौन सी समस्या लेकर के आप लोग पहुँच रहे हैं, क्या समस्या है? अभी क्या है, मेरे साथी लोग आए हैं, वो उनके उनके बाद ही पता चलेगा क्या चीज के लिए। उनके बाद पता चलेगा, तो देख सकते हैं अपने साथियों के साथ भी पहुँच रहे हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? मैं बिलासपुर से आया। बिलासपुर से आए हैं, क्या समस्या लेके पहुँचे हैं? गला में ऑपरेशन हुआ, कैंसर का मरीज हूँ। अच्छा, इससे पहले भी कभी आए थे आप? नहीं। अच्छा, पहली बार आए हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? साथ में आए हैं कि 25 लाख वाला जो है आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, जाइए आप। ये देख सकते हैं ये लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? सर मैं मुंगेली से हूँ। मुंगेली से, और हम लोग शिक्षक हैं, और हम लोग वरिष्ठता प्रभावित शिक्षक हैं। यहाँ शासन की जितनी भी नीतियाँ हैं, उन सारी नीतियों के होने के बावजूद भी हमारी वरिष्ठता जो है वो स्थानांतरण कराने के लिए लॉस कर दी गई है, जिसको मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये शासन का पंचायत विभाग का नियम है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि स्थानांतरण की दशा में स्थानांतरित कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, लेकिन फिर भी स्थानांतरण कराने के कारण हमारा वरिष्ठता लॉस कर दिया गया। पहले भी आए थे? हाँ, हम लोग कई बार चुके हैं और ये चौथी बार है। चौथी बार जी, दो बार हम लोग साय जी से भी मिल चुके हैं, और इसके पहले दो बार हम लोग जो है वो भूपेश बघेल जी से भी मिल चुके हैं। तो उम्मीद है इस बार कुछ? बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोगों को भी पूरी उम्मीद है कि हमारा मांग जो है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो ये लोग पहुँचे हैं, इधर भी देख सकते हैं बच्चे आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? आई कहाँ से हो? नकटी से। नकटी कहाँ है? ए माना एयरपोर्ट। क्या समस्या लेके आई है? समस्या पैसा कौड़ी नहीं, ओकरे से खाए बर चर्चा जल लैका। अच्छा, तो ये अलग अलग बच्चों को लेके पहुंचे हुए हैं, और चूंकि इस बार ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि जो लोग ये किस तरह से पहुंच रहे हैं, काफी दूर दूर से लोग अपनी अपनी समस्या लेके पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है, तस्वीरें ये बयां कर रही है, ये देख सकते हैं ऑटो की व्यवस्था की गई है, जो दिव्यांग हैं या जो शारीरिक तौर पे किसी तरह की उनकी समस्या है, जो चल फिर नहीं पाते, उनके लिए यहाँ पे ऑटो की व्यवस्था की गई है, और यहाँ ऑटो से सीधे तौर पे यहाँ से मुख्यमंत्री निवास की ओर उन्हें ले जाया जाएगा। तो एक बेहतर पहल कह सकते हैं, अच्छी पहल है। और इसके साथ साथ चूंकि कतारें काफी ज्यादा थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे में इस बार चूंकि व्यवस्था बेहतर की गई है, और जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी प्राथमिकता पहले दिया जा रहा है, उन्हें लाइन लगने की आवश्यकता ना पड़े, लंबे काफी समय तक खड़ा ना होना पड़े, इसलिए एक बेहतर व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि करीब 400 से 500 लोग अभी तक अंदर पहुंच चुके हैं। यही वजह है क्योंकि अब से कुछ देर पहले कतारें काफी ज्यादा थी, लेकिन अब कतारें नहीं है, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला जारी है। उम्मीद के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ प्रदेश के अलग अलग कोने से लोग पहुंच रहे हैं, और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी समस्या सुनेंगे और उनकी समस्या का निराकरण भी किया जाएगा। निश्चित रूप से लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा, क्योंकि पूरे 2 सप्ताह का लोगों ने इंतजार किया, तब जनदर्शन स्थगित हो गया था, और आज अब 2 सप्ताह के बाद जनदर्शन एक बार फिर शुरू हुआ है, तो लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। शुक्रिया आपका राजेश, तस्वीरें दिखाने के लिए।